वेलकम एवरीवन पार्टिकल फ़िजिक्स के इस लेक्चर में हम पैरिटी कॉन्ज़रवेशन के बारे में जानेंगे कॉन्ज़रवेशन लॉज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम कई तरह के कॉन्ज़र्वेशन लॉज पढ़ चुके हैं और मोस्ट ऑफ देम से आप फेमिलियर भी होंगे लेकिन कुछ कन्जर्वेशन लॉज ऐसे हैं जिनसे हम उतने फेमिलियर नहीं हैं जैसे पैरिटी कॉन्जर्वेशन यह टॉपिक पार्टिकल फ़िजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इसकी इम्पॉर्टेंस का आइडिया इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2018 से नवंबर 2020 तक सी एस आई आर नेट और गेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं हो सकता है कि यह लेक्चर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बट मेरा सजेशन है कि इस लेक्चर को आप पूरा देखें और समझने की कोशिश करें हमने कोशिश की है कि इस लेक्चर को जितना हो सके सिंपल बनाया जाए फिर भी इस लेक्चर में कुछ टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हो सकते हैं जिन्हें समझने में हो सकता है कि इस लेक्चर को आपको बार बार देखना पड़े पैरेटी कॉन्जर्वेशन को समझने से पहले पैरेटी को समझते हैं पैरिटी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सेस के साइन को फ्लिप कर देती है किसी भी फिनोमिना की स्टडी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते हैं जैसे यह एक एक्स वाई और जी एक्सेस से बना कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इसके एक्सेस इन्वर्ट हो जाते हैं जैसे एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस में वाई एक्सेस माइनस वाई एक्सेस में और जी एक्सेस माइनस जी एक्सेस में इसे लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट कहते हैं पेरिटी ऑपरेशन से राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मिरर इमेज अगर आप मिरर के सामने खड़े हों तो आपका राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसे एक पार्टिकल के लिए समझें तो अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हो तो इसके मिरर इमेज में यह नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग मूव करेगा यही पैरिटी है कहने का मतलब है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पॉजिटिव एक्स एक्सेस की ओर मूव करने वाला पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सेस की ओर मूव करने लगता है यह यूँ कहें कि उनके साइन चेंज हो जाते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अपने साइन को इन्वर्ट कर लेती हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम एक्सेलरेशन, फोर्स जबकि कुछ क्वांटिटीज पैरिटी इनवेरिएंट होती है मतलब इन पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जैसे एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होती है चूंकि डिस्प्लेसमेंट और लीनियर मोमेंटम दोनों ही पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपने साइन चेंज कर लेते हैं इसलिए एंगुलर मोमेंटम पर पेरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पैरिटी इन्वेरियंट क्वांटिटी है कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर किस तरह बिहेव करते हैं इसे हम हमारे स्पेशल लेक्चर की सीरीज़ में अलग से डिस्कस करेंगे पार्टिकल फ़िजिक्स में हमें इन क्वांटिटीज़ के पैरिटी की ज़रूरत नहीं है नाउ पैरिटी कॉन्जर्वेशन का मतलब है कि यूनिवर्स किसी फिनोमिना के राइट right हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड में होने को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है दैट मीन्स ये इवेंट्स अपने मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में सीमेट्री में होते हैं जैसे अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है तो इसके मिरर इमेज में पार्टिकल राइट साइड की ओर मूव करेगा जो कि रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल है तो अगर किसी इवेंट का मिरर इमेज रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता हो तो उसे पैरेटी सीमेट्री और इस फिनोमिना को पैरेटी कॉन्जरवेशन कहते हैं नाउ कम टू दिस सब एटोमिक लेवल सब एटॉमिक लेवल पर पैरिटी को समझने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म हेलिसिटी को समझना होगा हेलिसिटी किसी पार्टिकल के उसके मोशन के विथ रिस्पेक्ट स्पिन की डायरेक्शन होती है अगर पार्टिकल का स्पिन और मोशन सेम डायरेक्शन में हो तो इसे राइट हैंडेड हेलिसिटी लेकिन अगर पार्टिकल का स्पिन और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं मैथमेटिकली कहें तो जिन पार्टिकल्स का स्पिन उनके मोशन की डायरेक्शन में होता है यानी राइट हैंडेड होते हैं उनकी हेलेसिटी पॉजिटिव होती है वहीं जिन पार्टिकल का स्पिन उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है यानी लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनकी हेलीसिटी नेगेटिव होती है इसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए समझते हैं मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन इसके मोशन के सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स यह इलेक्ट्रॉन राइट हैंडेड हेलिसटी का है अगर इस इलेक्ट्रॉन के मिरर इमेज की बात करें तो जैसा हमने पहले कहा कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मोशन की डायरेक्शन तो फ्लिप होती है लेकिन स्पिन की नहीं दैट मीन्स मिरर इमेज में इलेक्ट्रॉन के स्पिन और मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जो कि लेफ़्ट हैंडेड हेलिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और नेचर में लेफ्ट और राइट right हैंडेड दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पैरिटी कॉन्जरवेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि इसका मिरर इमेज नेचर में एग्जिस्ट करता है सभी सब एटोमिक पार्टिकल्स में यह लेफ्ट और राइट हैंडेड हेलिसिटी पाई जाती है लेकिन एक पार्टिकल ऐसा है जो इस सिमेट्री को फॉलो नहीं करता न्यूट्रिनो नेचर में अभी तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले और एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले मिले हैं आज तक कभी भी राइट हैंडेड हेलिसिटी का न्यूट्रिनो या लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का एंटी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व नहीं किया गया है अगर किसी न्यूट्रिनो के मिरर इमेज को देखें तो जैसा कि हमने पहले कहा कि न्यूट्रिनो के मोशन की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन स्पिन की नहीं जिससे मिरर इमेज में न्यूट्रिनो के स्पिन की डायरेक्शन उसके मोशन की डायरेक्शन में है दैट मीन्स यह राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला न्यूट्रिनो है बट ऐसा कोई न्यूट्रिनो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता इसीलिए न्यूट्रिनो का यह मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है सेम ऐसा ही एंटी न्यूट्रिनो के साथ होगा राइट हैंडेड हेलिसिटी के एंटी न्यूट्रिनो का मिरर इमेज लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का होगा जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है यह पैरिटी कॉन्ज़र्वेशन का वॉयलेशन कहलाता है यह वॉयलेशन केवल वीक इंट्रैक्शन में होती है तीनों फ़ंडामेंटल फोर्सेस स्ट्रॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज पैरिटी को कंजर्व बनाए रखते हैं जिसका मतलब ये फ़ोर्सेज इवेंट के राइट right या लेफ्ट हैंडेड में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं लेकिन वीक फ़ोर्स ऐसा नहीं करती वीक फ़ोर्स में पैरिटी कॉन्ज़र्वेशन वॉयलेट हो जाती है वीक फोर्स पार्टिकल के लेफ्ट और राइट हैंडेड सिस्टम को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाती है अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो पैरिटी कॉन्जर्वेशन को वॉयलेट करेंगे यह वायोलेशन केवल वीक इंट्रैक्शन में ही होता है नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था चार्ज्ड पायास पाई माइनस डी टू म्योन्स एंड एंटी म्योन न्यूट्रीनो टेक द रेस्ट masses ऑफ अ म्योन एंड अ पायोन टू बी 1.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट ऑफ द म्योन स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज पॉजिटिव इज क्लोज टू चार्ज्ड पायॉन का डिके चार्ज्ड म्यून और एंटी न्यूट्रीनों में हो रहा है चूंकि यह एक डिके रिएक्शन है तो पायन को रेस्ट में माना जा सकता है अगर पायोन रेस्ट में है तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा और पायन एक स्पिन जीरो का मैसोन पार्टिकल है दैट मीन्स पायोन की हेलिसिटी जीरो होगी लेकिन पायोन के डीके से रिलीज़ होने वाले पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे बल्कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए ये दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से, से रिलीज़ होंगे जैसा कि हमने जाना आज तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंड और एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही मिले हैं दैट मीन्स म्यन एंटी न्यूट्रिनो की हेलिसिटी भी राइट हैंडेड होगी तो अगर एंटी न्यूट्रिनो लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है तो इसके स्पिन की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड की ओर होगी ताकि यह राइट right हैंडेड बना रहे नाउ हेलिसिटी या यूं कहें कि स्पिन को कंजर्व बनाए रखने के लिए मियोन का स्पिन भी उसके मोशन की डायरेक्शन यानी एंटी न्यूट्रिनो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए दैट मीन्स मियोन का स्पिन और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अगर इस डीके रिएक्शन में म्योन के स्पिन को मेजर किया जाए तो म्योन का स्पिन हमेशा ही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मिलेगा दैट मीन्स 100% परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि म्यून का स्पिन उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मेजर्ड हो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए पैरिटी कॉन्जर्वेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे पैरिटी ऑपरेशन का मतलब है मिरर इमेज लेना लेकिन अगर मिरर इमेज का ही मिरर इमेज लें, मीन्स दो बार पैरिटी ऑपरेट करें तो हमें ओरिजिनल स्टेट मिल जानी चाहिए दैट मीन्स पी स्क्वायर आइगन वैक्टर की आइगन वैल्यू वन होगी तो पी यानी पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन पॉसिबल हो सकती है किसी पार्टिकल की पैरिटी प्लस वन है तो इसे इवन पैरिटी कहते हैं प्लस वन पैरिटी का मतलब है कि अगर पार्टिकल के वेव फंक्शन को मिरर रिवर्स किया जाए तो हमें सेम वेव फंक्शन ही मिलेगी लेकिन अगर पार्टिकल के वेव फंक्शन को मिरर रिवर्स करने पर सेम वेव फंक्शन लाने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़े तो इसे और यानी माइनस वन पैरिटी कहते हैं किसी भी पार्टिकल की टोटल पैरिटी उसके ऑर्बिटल और इंट्रेंसिक पैरिटी का मल्टीपल होती है ऑर्बिटल पैरिटी माइनस वन टू पावर एल से दी जाती है जहाँ एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है अगर पार्टिकल एस स्टेट में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और ऑर्बिटल पैरिटी इवन होगी लेकिन अगर पार्टिकल पी स्टेट में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वन होगा और ऑर्बिटल पैरिटी ऑड होगी अगर क्वेश्चन में डिफाइन ना हो तो पार्टिकल्स को एस स्टेट में ही कंसिडर किया जाता है जिससे उनकी ऑर्बिटल पैरिटी प्लस वन बनी रहती है इंटरेंसिक पैरिटी सभी पार्टिकल्स की इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सभी हाफ इंटीजर स्पिन वाले फॉर्म्यन्स इवन इंट्रेंसिक पैरिटी वाले और सभी मैसोन्स और इंट्रेंसिक पैरिटी वाले होते हैं बोजॉन्स और एंटी एंटीबोजॉन्स दोनों की पैरिटी सेम होती है लेकिन फॉर्मियन और एंटी फॉर्मियस की पैरिटी अपोज़िट होती है स्पिन जीरो वाले बोजॉन्स जिनकी पैरिटी इवन होती है उन्हें स्केलर बोजॉन्स लेकिन जिनकी पैरिटी ऑड होती है उन्हें सूडो स्केलर बोजॉन्स कहते हैं वहीं स्पिन वन वाले बोजॉन्स जिनकी पैरिटी ऑड होती है उन्हें वेक्टर बोजॉन और जिनकी पैरिटी ईवन होती है उन्हें सूडो वेक्टर कहते हैं इनके अलावा पैरिटी मल्टीप्लिकेटिव रूल को फॉलो करती है पैरिटी केवल ऐसे सिस्टम के लिए डिफाइन की जाती है जिसका टोटल मोमेंटम ज़ीरो हो जिससे पैरिटी और मोमेंटम ऑपरेटर एंटीकम्यूट रहें चूँकि फोटोन रेस्ट में नहीं रहते इसलिए फोटोन की पैरिटी असाइन नहीं की जाती लेकिन फोटोन के लिए इंट्रेंसिक पैरिटी डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि एटॉमिक स्टेट्स के बीच डायपोल ट्रांजिशन से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज हो जाती है मींस ऑड पैरिटी जबकि मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज नहीं होती मींस इवन पैरिटी तो फोटोन की पैरिटी पूरी तरह इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंट्रैक्शन में रेडिएशन फील्ड पर डिपेंड करती है लेकिन फिर भी अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में फ़ोटोन प्रेजेंट हो तो कन्वेंशन से फोटोन की पैरिटी माइनस वन असाइन की गई है अगर किसी सिस्टम में दो पार्टिकल्स ए और बी हो तो उस सिस्टम की टोटल पैरिटी माइनस वन टू दी पावर एल पी ए पी बी से दी जाती है जहां एल उनका रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है जबकि पी ए और पी बी दोनों पार्टिकल्स की इंट्रेंसिक पैरिटी है यही पैरिटी कॉन्जर्वेशन को डिफाइन करता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में पैरिटी कॉन्जर्वेशन के लिए पेरेंट पार्टिकल्स की टोटल रिलेटिव पैरिटी डॉटर पार्टिकल के पैरिटीज़ के इक्वल होनी चाहिए जैसे अगर पार्टिकल ए का डीके पार्टिकल बी और सी में हो जाता है तो पार्टिकल ए की पैरिटी पार्टिकल बी और सी की टोटल पैरिटी के इक्वल होनी चाहिए लेकिन ध्यान रखें कि फ़ाइनल स्टेट दो पार्टिकल्स का सिस्टम है इसलिए फ़ाइनल स्टेट की टोटल पैरिटी माइनस वन टू दी पावर एल पी बी पी सी से दी जाएगी जहां एल पार्टिकल बी और सी का रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है इसी तरह अगर दो पार्टिकल्स ए और बी के इंट्रैक्शन से दो डॉटर पार्टिकल्स सी और डी प्रोड्यूस होते हैं तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही स्टेट डुअल पार्टिकल सिस्टम हैं तो कंजर्वेशन के लिए इनिशियल स्टेट की टोटल पेरिटी फाइनल स्टेट की टोटल पेरिटी के इक्वल होनी चाहिए द डी प्रोडक्ट लैमडा ज़ीरो प्लस पाई माइनस फ्रॉम वाई इज़ इन अ रिलेटिव पी स्टेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वॉट इज द इंट्रेंसिक पैरिटी ऑफ वाई एक पार्टिकल वाई का डीके लैम्डा और पायोन में हो रहा है हमें पार्टिकल वाई की इंटरेंसिक पैरिटी बतानी है चूँकि क्वेश्चन में पार्टिकल वाई के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए इसे ग्राउंड स्टेट में अज्यूम कर लेते हैं तो पार्टिकल वाई की टोटल पैरिटी इसके इंट्रेंसिक पैरिटी के ही इक्वल होगी बात करें फाइनल स्टेट की तो फाइनल स्टेट एक डुअल पार्टिकल का सिस्टम है जिसके रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम पी स्टेट में है मीन्स ऑर्बिटल मोमेंटम वन होगा लैमडा एक फर्मियन पार्टिकल है और सभी फर्मियन पार्टिकल्स की पैरिटी इवन होती है जबकि पायोन एक मैसोन पार्टिकल है और सभी मैसोन की पैरिटी ऑड होती है दैट मीन्स पार्टिकल वाई की इंट्रेंसिक पैरिटी इवन है गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था लो एनर्जी कोलिजन एस वेव स्कैटरिंग ऑफ पायोन विथ ड्यूटेरॉन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोटोन the relative orbital angular momentum of the resulting two proton system for this reaction is इस क्वेश्चन में हमें फाइनल स्टेट की रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बतानी है यहाँ पायोन और ड्यूटेरॉन के बीच की स्कैटरिंग एस वेव स्कैटरिंग है एस वेव स्कैटरिंग का मतलब है कि पायोन और ड्यूटेरॉन के बीच का रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है तो पैरिटी कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट की पैरिटी फाइनल स्टेट के इक्वल होनी चाहिए पायान मैसोन है तो इसकी पैरिटी ऑड होगी जबकि ड्यूटरॉन की पैरिटी इवन होती है तो इनिशियल स्टेट की टोटल पैरिटी माइनस वन होगी फाइनल स्टेट में प्रोटॉन एक फर्मियॉन पार्टिकल है जिसकी पैरिटी इवन होती है न फाइनल सिस्टम के ऑर्बिटल पैरिटी का हमें कोई आइडिया नहीं है तो फाइनल स्टेट की टोटल पैरिटी माइनस वन टू पावर एल होगी तो पैरिटी कॉन्जर्वेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि फाइनल स्टेट का रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वन थ्री फाइव या कोई और वैल्यू हो अब इस रिएक्शन के एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन को वेरीफाई करें तो पायोन एक मैसौन है और सभी मैसोन के स्पिन जीरो होते हैं जबकि ड्यूटेरॉन का स्पिन वन होता है चूँकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो इनिशियल स्टेट का टोटल एंगुलर मोमेंटम वन होगा नाउ प्रोटॉन का स्पिन हाफ होता है ऐसे में दोनों प्रोटॉन या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल अलाइन हो सकते हैं जिससे इनका टोटल स्पिन जीरो या वन पॉसिबल है चूँकि प्रोटॉन फर्म्योन्स हैं और फर्म्योन्स के वेव फंक्शन एंटीसीमेट्रिक होते हैं तो वेव फंक्शन को एंटीसीमेट्रिक बनाए रखने के लिए ये एंटी पैरेलल ही अलाइन होंगे इसका मतलब इनका टोटल स्पिन जीरो होगा तो टोटल मोमेंटम के वन होने के लिए ज़रूरी है कि फाइनल स्टेट का ऑर्बिटल एंगल और मोमेंटम वन हो जून 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था ए ड्यूटरॉन कैप्चर्स अ चार्ज पायोन इन द एल इक्वल्स टू वन स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली डिकेज इन टू अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन वाई अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन गिवेन दैट द इंट्रेंसिक पेरिटीज पार्टिकल्स ऑफ पायॉन ड्यूटरॉन एंड न्यूट्रॉन आर माइनस वन प्लस वन एंड प्लस वन रिस्पेक्टिवली स्पिन वेब फंक्शन ऑफ द फाइनल न्यूट्रॉन्स इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ड्यूटरॉन चार्ज्ड पायोन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन के पेयर में डिके हो रहा है हमें दोनों डॉटर न्यूट्रॉन से बने सिस्टम का स्पिन वेव फंक्शन बताना है चूँकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हुआ है इसलिए पैरिटी कॉन्जरवेशन बनी रहेगी तो पैरिटी कॉन्जरवेशन से इनिशियल स्टेट की टोटल पैरिटी फाइनल स्टेट की टोटल पैरिटी के इक्वल होनी चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में, में मेंशन है कि ड्यूटेरॉन चार्ज्ड पायोन को एल इक्वल्स टू वन स्टेट में कैप्चर कर रहा है मींस इनका रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वन है डूट्रॉन की पैरिटी इवन और पायन की पैरिटी ऑड गिवन है तो इनिशियल स्टेट की टोटल पैरिटी प्लस वन होगी नाउ फाइनल स्टेट के ऑर्बिटल पैरिटी का हमें कोई आइडिया नहीं है लेकिन न्यूट्रॉन की पैरिटी इवन गिवन है तो फाइनल स्टेट की टोटल पैरिटी माइनस वन टू दावर एल होगी नाउ पैरिटी कॉन्जर्वेशन के लिए जरूरी है कि इनिशियल स्टेट की पैरिटी फाइनल स्टेट की पैरिटी के इक्वल हो यह तभी हो सकता है जब फाइनल स्टेट का ऑर्बिटल मोमेंटम ज़ीरो टू फोर या कोई इवन वैल्यू हो लास्ट एग्जांपल की तरह ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें इस रिएक्शन के टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्जरवेशन को वेरीफाई करना होगा पेरेंट पार्टिकल पायोन का स्पिन जीरो है जबकि ड्यूटरॉन का स्पिन वन होता है तो इनिशियल स्टेट का टोटल स्पिन वन होगा इनिशियल स्टेट का रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम वन गिवन है दैट मीन्स इनिशियल स्टेट का टोटल एंगलोमोमेंटम ज़ीरो वन या टू पॉसिबल है बात करें डॉटर पार्टिकल्स के तो न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है ऐसे में दोनों न्यूट्रॉन या तो पैरल या एंटी पेडल अलाइन हो सकते हैं जिससे इनका टोटल स्पिन जीरो या वन पॉसिबल है चूँकि न्यूट्रॉन फॉर्म्यन है इसलिए वेब फंक्शन को एंटीसीमेट्रिक बनाए रखने के लिए एंटी पैरल ही अलाइन होंगे इसका मतलब इनका टोटल स्पिन ज़ीरो होगा चूँकि क्वेश्चन में फाइनल स्टेट का सिर्फ वे फंक्शन ही पूछा गया है और फाइनल स्टेट के लिए टोटल स्पिन जीरो है मीन्स यह एक सिंगलेट स्टेट है हमें इस क्वेश्चन में फ़ाइनल स्टेट के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है बट आप प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए यह वेरीफाई कर सकते हैं कि फ़ाइनल स्टेट का रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम कौन सी इवन वैल्यू होगी आंसर के तौर पर हम आपको बता दें कि फाइनल स्टेट का रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम टू होगा आप इसे पिछले एग्ज़ाम्पल की तरह खुद से वेरीफाई कर सकते हैं अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हो, जैसे पार्टिकल ए का डी के पार्टिकल बी सी और डी में हो रहा है तो फाइनल स्टेट की टोटल पैरिटी इस तरह से दी जाती है जहां एल बी और सी का रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है जबकि एल प्राइम बी और सी से बने सिस्टम का डी के रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम है इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं ईटा मैसोन का डिके तीन चार्ज्ड पायोन्स में हो रहा है पैरिटी कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट की पैरिटी फाइनल स्टेट की पैरिटी के इक्वल होनी चाहिए फाइनल स्टेट में तीन पार्टिकल्स हैं तो एट ए टाइम किसी दो पार्टिकल को कंसिडर करते हैं ईटा एक मैसोन पार्टिकल है और सभी मैसोन ऑड पैरिटी वाले होते हैं इसी तरह पायान्स भी मैसौन हैं और मैसोन पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल सबकी पैरिटी सेम होती हैं तो इनकी पैरिटी भी ऑड होगी चूंकि पार्टिकल्स के रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट मीन्स एस स्टेट में अज्यूम किया जा सकता है तो दोनों पायोन से बने सिस्टम की टोटल पैरिटी इवन होगी अब थर्ड पायोन को कंसिडर करें तो हमें तीन पायोन से बने सिस्टम की टोटल पैरिटी ऑड मिलती है दैट मीन्स यह रिएक्शन पैरिटी कॉन्जर्वेशन से अलाउड है यह नोट करने वाली बात है कि अगर ईटामैसोन का डीके तीन पायोन की जगह दो पायोन में हो तो वह डी के रिएक्शन पैरिटी कॉन्जरवेशन का वायलेशन होती है सो अगर सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो उनकी टोटल पैरिटी दो दो पार्टिकल के सिस्टम बनाकर कैलकुलेट की जाती है पैरिटी कॉन्जर्वेशन की स्टडी के बाद हम यह समझ सकते हैं कि क्यों ड्यूटरॉन एस और डी स्टेट का मिक्सचर होती है पी स्टेट का क्यों नहीं ड्यूटोर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बाउंड होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम वन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एस और डी स्टेट का मिक्सचर होती है इन दोनों ही स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल पैरिटी इवन होती है अगर डिटोरॉन में पी स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो चूंकि पी स्टेट की ऑर्बिटल पैरिटी ऑड होती है तो यह पैरिटी कॉन्जर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा कभी भी अपोजिट पैरिटी वाले स्टेट्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं पैरिटी कॉन्ज़रवेशन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है अगर आप और डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को यहीं पर स्किप कर सकते हैं लेकिन दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसे समझने के लिए हमें इस टॉपिक के और डीप में जाना होगा वापस से हेलिसिटी पर लौटते हैं हेलिसिटी किसी पार्टिकल के स्पिन का उसके मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ऑरिएटेशन को बताती है हेलिसिटी कोई इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी नहीं है साथ ही प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पार्टिकल रेस्ट में हो क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट में है तब पार्टिकल के राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड को डिफाइन नहीं किया जा सकता ऐसे में एक नए प्रॉपर्टी की ज़रूरत हुई जो इंटरेंसिक हो इसे कायलिटी कहते हैं कायरेल का मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज जैसे आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है कायलिटी किसी पार्टिकल की इंटरेंसिक प्रॉपर्टी होती है लेकिन हेलिसिटी नहीं इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इनिशियली पार्टिकल ए की वेलोसिटी पार्टिकल बी से ज्यादा है मींस बी के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा लेकिन अगर पार्टिकल बी की वेलोसिटी बढ़कर पार्टिकल ए के इक्वल हो जाए तो इस केस में पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए रेस्ट में अपीयर होगा क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी नाउ अगर पार्टिकल बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा हो जाए तो इस केस में पार्टिकल बी के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपीयर होगा दैट मीन्स पार्टिकल ए के मोशन की डायरेक्शन पार्टिकल बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है अगर इसी एग्ज़ाम्पल में हम पार्टिकल के स्पिन को भी ऐड कर दें तो इनिशियली पार्टिकल बी के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए की हैलिसिटी राइट हैंडेड है क्योंकि पार्टिकल ए के लिए मोशन और स्पिन की डायरेक्शन सेम है लेकिन थर्ड केस में पार्टिकल ए की हेलिसिटी लेफ्ट हैंडेड हो जाएगी दैट मीन्स किसी पार्टिकल की हेलिसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है लेकिन ऐसा सिर्फ मास वाले पार्टिकल्स के साथ ही होता है मासलेस पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करते हैं ऐसे में फ्रेम कितनी भी स्पीड से क्यों ना मोशन करे कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर पाएगा जिससे मासलेस पार्टिकल्स की हेलिसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाती है मासलेस पार्टिकल्स के लिए उनकी कायरालिटी हेलिसिटी के इक्वल होती है अगर मासलेस पार्टिकल्स लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का है तो उसकी कायलिटी भी लेफ्ट हैंडेड होगी और अगर पार्टिकल राइट हैंडेड हेलिसिटी का है तो कारालिटी भी राइट हैंडेड होगी लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मासलेस एंटी पार्टिकल्स की कारालिटी उसकी हेलिसिटी के ऑपोजिट होती है बट जिन पार्टिकल के मास होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है उनकी हेलिसिटी कारालिटी से डिफरेंट हो सकती है दिसंबर 2019 आसाम और मेघालय में कंडक्ट हुए सी एस आई आर नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था द प्रोबेबिलिटी इफ द डी ऑफ पायान इंटू मीओन इज मच हायर देन द डे ऑफ पायान इंटू इलेक्ट्रॉन बिकॉज क्वेश्चन में पायन का लेप्टोनिक डिके दिया गया है हमें बताना है कि पायोन के म्योनिक डीके की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक डीके से ज़्यादा क्यों है इसकी वजह है ऑप्शन फोर बाकी के तीनों ऑप्शन को आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ हम बात करेंगे ऑप्शन फोर की जिसके अकॉर्डिंग हेलिसिटी सप्रेशन की वजह से पायोन का म्योनिक डिके इलेक्ट्रॉनिक डिके से मोर प्रोबेबल है चूँकि यह एक डिके रिएक्शन है तो पायोन को रेस्ट में माना जा सकता है साथ ही पायोन एक स्पिन जीरो का मैसोन पार्टिकल है ऐसे में लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों डॉटर पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से रिलीज हों। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में सभी न्यूट्रिनो राइट right हैंडेड हेलिसिटी वाले पाए जाते हैं मीन्स इनके स्पिन की डायरेक्शन इनके मोशन की डायरेक्शन में होती है तो दोनों ही एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन की डायरेक्शन भी इनके मोशन की डायरेक्शन में ही होगी चूँकि पायोन का स्पिन जीरो है तो स्पिन कॉन्जर्वेशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन और म्योन दोनों के ही स्पिन एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो मतलब कि इन दोनों के स्पिन भी इनके मोशन की डायरेक्शन में होंगे यानी कि राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले होंगे अब कायलिटी की बात करते हैं जैसा कि हमने कहा कि मासलेस एंटी पार्टिकल्स की कायरालिटी हेलिसिटी के ऑपोजिट होती है और चूंकि एंटी न्यूट्रिनो एक मासलेस एंटी पार्टिकल है तो इसकी कायलिटी इसके हेलिसिटी के ऑपोजिट होगी मीन्स दोनों ही रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो की कारालिटी लेफ्ट हैंडेड होगी तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम दूसरे डॉटर पार्टिकल के साथ है देखा जाए तो दोनों ही डॉटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और म्योन मासलेस नहीं है तो इनकी हेलिसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है कारयालिटी का हेलिसिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे मियोनिक डिके में मियोन की हेलिसिटी भले ही राइट हैंडेड है लेकिन कायलिटी कॉन्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि मियोन की कारालिटी लेफ्ट हैंडेड हो जो कि पॉसिबल भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास मियोन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है करीब 200 गुना कम इसलिए मियोन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को मासलेस माना जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन मासलेस है तो इसके हेलिसिटी और कारालिटी सेम डायरेक्शन में होंगे चूंकि एंटी न्यूट्रिनो की कायलिटी लेफ्ट हैंडेड है तो इलेक्ट्रॉन की कायलिटी भी लेफ्ट हैंडेड होनी चाहिए जिससे कायलिटी कॉन्जर्वेशन बनी रहे तब तो मासलेस इलेक्ट्रॉन की हेलिसिटी भी लेफ्ट हैंडेड हो जाएगी ऐसा होते ही इस रिएक्शन के लिए हेलिसिटी का वायलेशन हो जाएगा इसीलिए पायोन का म्योनिक डीके इलेक्ट्रॉनिक डीके से ज़्यादा प्रॉबेबल है क्योंकि म्योन मैसिव पार्टिकल है जबकि इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मासलेस है नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट नोट्स पैरिटी का मतलब मिरर इमेज से है पैरिटी ऑपरेशन में सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सेस फ्लिप हो जाते हैं पैरिटी कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स किसी भी इवेंट के लेफ्ट या राइट right हैंडेड होने को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है हेलिसिटी किसी पार्टिकल के स्पिन का उसके मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ऑरिएटेशन होता है अगर स्पिन की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन में है तो उसे राइट हैंडेड हेलिसिटी लेकिन अगर स्पिन की डायरेक्शन मोमेंटम के ऑपोजिट है तो उसे लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं अभी तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले और सभी एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही मिले हैं स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पैरिटी कॉन्सर्ट बनी रहती है लेकिन वीक फोर्स में नहीं पैरिटी की आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन हो सकती है यह मल्टीप्लिकेटिव रूल को फॉलो करते हैं किसी पार्टिकल की टोटल पैरिटी उसके इंट्रेंसिक और ऑर्बिटल पैरिटी का मल्टीपल होती है किसी भी पार्टिकल की ऑर्बिटल पैरिटी माइनस वन टू दावर एल से दी जाती है जबकि इंट्रेंसिक पैरिटी की बात करें तो फर्मियोंस की इंटरेंसिक पैरिटी इवन और मैसोन की पैरिटी ऑड होती है बोजॉन्स और एंटी बोजॉन्स की पैरिटी सेम होती है जबकि फर्मियोंन और एंटी फॉर्मियन की पैरिटी ऑपोजिट होती है फोटोन की पैरिटी माइनस वन कंसिडर की जाती है अगर किसी सिस्टम में दो पार्टिकल्स हों तो उस सिस्टम की टोटल पैरिटी माइनस वन टू दावर एल पी ए पी बी से दी जाती है जहाँ एल उनकी रिलेटिव पैरिटी है कायलिटी किसी पार्टिकल की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है सभी मासलेस पार्टिकल्स की हेलिसिटी और कायलिटी सेम होती है जबकि मासलेस एंटी पार्टिकल की कायरालिटी उसके हेलिसिटी के ऑपोजिट होती है यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस दिए गए हैं अगर आप चाहें तो इस लेक्चर की डिटेल पी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे पेट्रियम पेज का मेम्बरशिप ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं